नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2018 के कुछ इम्पॉर्टेंट जीके पॉइंट्स, जो कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे मंथ के मैंने कलेक्ट किए हैं, तो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के महानिदेशक के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर ये डिटेल आप जानना चाहते हैं तो अगर आप हमारे वीकली जीके सेशन को देख रहे होंगे तो आपको ये डिटेल वहाँ से मिल जाएगी, अदरवाइज आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे वृद्ध पुरुष फ्रांसिस्को नूनेज ओलिवरा का हाल ही में निधन हो गया, वह कितने वर्ष के थे? तो ये 113 वर्ष के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू द्वारा संचालित आंकड़ों के मुताबिक भारत वार्षिक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, जो इसमें भारत 42वें स्थान पर है और इसके पहले ये 32वें स्थान पर था, और इसमें अगर हम शीर्ष की बात करें तो नॉर्वे शीर्ष पर है, आइसलैंड और स्वीडन ये तीन शीर्ष पर हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, भारत नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए तीसरे स्कोपिन वर्ग की पनडुब्बियों का नाम क्या है? तो इनका नाम है INS कारांज। क्या नाम है इनका? INS कारांज। ये सारी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या अगर आपने हमारे वीकली सेशन को देखा है तो आपको वहाँ सारी डिटेल मैंने डिस्कस की है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है जो कि पूरी मंथ की मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, अभी केंद्रीय बजट में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सातवां भारत ऊर्जा महासम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 32वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये हरियाणा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गोल्ड कोस्ट शहर में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि क्वेश्चन है हमारा, जो अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने जो ऑस्ट्रेलिया में के गोल्ड कोस्ट शहर में जो आगामी राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने वाला है उसमें भारतीय दल का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है विक्रम सिंह सिसोदिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलम कपूर को भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेष आनंद मधुकर को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्योरिका डेंसिला ने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो उन्होंने अभी रोमानिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में ब्योरिका डेंसिला ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम में प्रथम 2 दिवसीय वैश्विक निवेश का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी दोस्तों, हाल ही में असम में प्रथम 2 दिवसीय वैश्विक निवेश का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्फाबेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अल्फाबेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जॉन हेनेसी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? जॉन हेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाइम्स पावर वीमेन 2017 का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये जो पुरस्कार है अभी हाल ही में शबनम अस्थाना ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से श्याम वेनेगल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? तो ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सिडबी और क्रिसिल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत के पहले सेंटीमेंट इंडेक्स क्रिडिक्स का उद्घाटन किया गया, यह उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सिडबी और क्रिसिल द्वारा भी संयुक्त रूप से
कौन सा सेंटिमेंट इंडेक्स जो है बनाया गया है, तो इसका नाम है क्रिटिक्स, और इसका जो उद्घाटन ही अरुण जेटली ने किया, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये जो है श्रीलंका ने भी अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और दोस्तों अभी 69वां गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में महमूद हुसैन को किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महमूद हुसैन को अभी बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, या बांग्लादेश के 22वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसमें हैं शेख हसीना। अगला है, हाल ही में किस देश ने छोटे उपग्रहों को ले जाने हेतु अब तक के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है जापान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम मिसाइल अग्निवन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो अग्निवन की जो मारक क्षमता है वह 700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर दस्तक अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है यूनिसेफ के साथ मिलकर। उसके बाद है, हाल ही में जेरोम एच पावेल के फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, या कौन से अध्यक्ष होंगे? तो दोस्तों अभी हाल ही में जेरोम एच पावेल ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, तो ये कौन से अध्यक्ष होंगे? तो ये 16वें अध्यक्ष होंगे इसके। और फेडरल रिजर्व जो है सिस्टम संयुक्त राज्य की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है, यह 23 दिसंबर 1913 से बनाया गया है। नेक्स्ट है, शुभंकर वर्मा जो हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ भारतीय गोल्फर बन गए हैं, इनका वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग में क्या स्थान है? दोस्तों ये भारत के सर्वश्रेष्ठ गोल्फर बन गए हैं, लेकिन वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग में इनका 72वां स्थान है। क्या स्थान है? 72वां स्थान। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक के हसन जिले में भगवान गोमतेश्वर के 28वें महाष्टकाभिषेक उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अभी कर्नाटक में जो हसन जिले में भगवान गोमतेश्वर के 28वें महाष्टकाभिषेक का जो उद्घाटन है, ये भी रामनाथ कोविंद ने किया, जो कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE को भारत में शीर्ष पर्यावरण नीति थिंक टैंक का स्थान दिया गया है, वैश्विक रैंकिंग में किस पायदान पर है? तो दोस्तों भारत में इसको शीर्ष स्थान दिया गया है, किसको? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को, लेकिन वैश्विक रैंकिंग में इसका 16वां स्थान है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 32वें अल जनाद्रिया महोत्सव के उद्घाटन में शामिल हुई, यह महोत्सव किस देश से संबंधित है? तो ये अल जनाद्रिया महोत्सव ये जो है सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कथकली कलाकार मधुवर वासुदेव नायर का निधन हो गया, वह कितने वर्ष के थे? तो ये जो है 89 वर्ष के थे, ये कथकली कलाकार थे। कौन नाम, क्या नाम था इनका? मधुवर वासुदेव नायर। नेक्स्ट है, 5वें दक्षिण एशिया क्षेत्र सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया, 5वें दक्षिण एशिया सार्वजनिक क्षेत्र खरीद सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध कर बनाने और फिर उसे समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये जो देश है ये बरमूडा है, जिसने पहले इसको वैध बनाया है, उसके बाद इसको समाप्त करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है 44वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में इंदिरा नोई को नियुक्त किया गया है। अगला है, SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NPCI ने विश्वमोहन महापात्रा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में कौन से शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जा रही है? तो ये जो है 23वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जा रही है। कहाँ की जा रही है? दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फिलिस्तीन ने कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 6 ज्ञापन समझौतों पर अभी हाल ही में भारत और फिलिस्तीन ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रथम संस्कृत केंद्र का उद्घाटन किया है?
तो इसका जो उद्घाटन है ये अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अमीर शहरों में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो मुंबई का है वो 12वां स्थान मुंबई का न्यू वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और ओमान ने कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ओमान ने भी हाल ही में 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ONGC विदेश लिमिटेड और उसके सहयोगियों ने अबू धाबी में एक बड़े ऑफशोर ऑयल फील्ड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC में कितने मिलियन डॉलर के 10% शेयर खरीदे हैं? तो ये 600 मिलियन डॉलर के 10% शेयर अभी हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड ने खरीदे हैं। फिर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कहाँ खोला गया है? तो जहाँ पर होटल की बात आती है तो सबसे पहले हमें दुबई का नाम ही याद आता है। तो ये दुबई में ही खोला गया है और इसने अपने ही एक पुराने इसी शहर में अब तक के दुनिया के सबसे लंबे होटल JW मैरियट मार्कुस की तुलना में 1 मीटर लंबा है, यानी कि इसी ने इसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपने ही शहर के एक अन्य होटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का 13वां संस्करण जीत लिया है? तो दोस्तों अभी दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का जो 13वां संस्करण है वो अभी हाल ही में किशन गांगुली ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन उमंग के नाम से अभी लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है, भारत रूस कृषि व्यवसाय सम्मेलन 2018 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोदी केयर योजना से बाहर होने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने मोदी केयर योजना से बाहर होने का फैसला भी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर कंबार को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत का पहला रेडियो महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत का जो पहला रेडियो महोत्सव है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरणों पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरणों पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है ये जो है बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में सिरिल रामफोसा को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही नेपाल के नए CM के रूप में किसे नेपाल के नए PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के नए PM के रूप में अभी हाल ही में KP शर्मा ओली को नियुक्त किया गया है। इन्होंने शेर बहादुर देवबा की जगह ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में आयोजित 6ठे इंडियन रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है अभी हाल ही में सुषमा स्वराज ने किया है। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस जो है ये हैदराबाद में शुरू किया जा रहा है। अगला है, थिएटर ओलंपिक के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो है 8वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। अगला है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के यानी कि ICHR भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में अरविंद जमखेड़कर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्कूल की लड़कियों और महिलाओं को सस्ता सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए महिला दिवस को अस्मिता योजना शुरू करेगी? तो ये जो है अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो है केरल की राज्य सरकार ने भी हाल ही में स्कूल प्रवेश के लिए टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है। अगला है,
हाल ही में गांधी नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है या किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है गांधी नगर रेलवे स्टेशन, जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला है, गरुणा शक्ति नाम सैन्याभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो सैन्याभ्यास है गरुणा शक्ति के नाम से जो जाना जाता है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। अगला है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 81वां स्थान है। अगला है, हाल ही में कौन लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये अवनी चतुर्वेदी अभी हाल ही में बन गई हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो विषय है इस बार का वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मल्टीलैंग्विज्म काउंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति के सुधार और विस्तार के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने कितने मिलियन डॉलर लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस ये जो है 84 मिलियन डॉलर लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? तो दोस्तों, जो इस मिसाइल की मारक क्षमता है ये है 350 किलोमीटर। अगला है, भारत 11 मार्च 2018 को पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, भारत 11 मार्च 2018 को पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और ये जो सम्मेलन है ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 44वां खुजराहो नृत्य महोत्सव किस प्रदेश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, जो खुजराहो नृत्य महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में अभी 44वां खुजराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर को राइनो डे का आयोजन करने की घोषणा की है? दोस्तों, राइनो डे का आयोजन करने की जो घोषणा है ये असम सरकार ने अभी 22 सितंबर को हाल ही में की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फरवरी मंथ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट GK पॉइंट। दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नीचे लिंक दे दूंगा, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर इसका जो है PDF ले सकते हैं और अपने आप का जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।